श्री फूल सिंह जी का जन्म हुआ। इनके पिता दफादार मेजर भोर सिंह जी देवराज ने प्रथम विश्व युद्ध में वीरता का परिचय दिया था। भला जननियो भोर सुत मरु भोम महकाए, अनमी वीर अफूलरो जस जुबा नहीं जाए। 7 जुलाई 1965 को 18 वर्ष की उम्र में फूल सिंह जी भारतीय थल सेना में भर्ती हुए। पायनियर सेंटर बेंगलोर से सैन्य प्रशिक्षण के बाद 13 राजपूताना राइफल्स में नियुक्त हुए। रमिया बालू रेत में जमिया जीतन जंग, भमिया हिमरे भाखरों उन रणवीरों ने रंग। भारत पाक युद्ध 1971 के दरमियान 13 राजपूताना राइफल्स को बांग्लादेश में भेजा गया। वहां पर स्थित तेलीखली नामक क्षेत्र पर कब्जा करने का हुक्म मिला। इस युद्ध में बटालियन ने 22 साथियों की क्षति उठाकर 150 शत्रुओं को मौत के घाट उतारा। इसी कार्रवाई में 3 नवंबर 1971 को जांबाज राइफलमैन फूल सिंह शौर्य और पराक्रम का स्वर्णिम इतिहास रचते हुए अदम्य साहस और बेमिसाल वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन दिन अनड अफूल रे रगत उतरियो नैन, सुरगो सहनाया सुनी सह अंजसिया सैन। 3 नवंबर 1971 का दिन शेरगढ़ के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। एक ही दिन में एक ही स्थान पर शेरगढ़ के 4 सपूत शहीद हो गए। हवलदार सगत सिंह जी इंदा देवातू, लांस नायक राम सिंह जी डेड़ा, राइफलमैन फूल सिंह जी सोलंकेतला और राइफलमैन मनोहर सिंह जी पीलवा। एक ही दिन वो एक ही स्थान पर शेरगढ़ के 4 सपूत शहीद हो गए। इसलिए मैंने इस शेरगढ़ की धरती के लिए लिखा कि क्यों जावा तीर्थ करण की तीर्थ रो काम, सुरा तीर्थ शेरगढ़ धरा उदलो धाम। बलि वेदी छटतो वतन समरांगण में सज, रंग है रजबट देसरा केसरिया कम धज। शहीद फूल सिंह जी के लिए मैंने लिखा कि देवला तो बुझ जाऊसी अरग प्रखर उगो, पण ओजस दीप अफूलरी उजैन ज्योत जुगो। जैसे ही सूर्योदय होता है सब दीपक बुझ जाते हैं, लेकिन ओज से भरे हुए दीप फूल सिंह जी की ज्योत जुगों जुगों तक जलती रहेगी। शहीद फूल सिंह जी का नाम इस धरती पर कब तक रहेगा, इसके लिए मैंने लिखा कि जा लग दिन हर रात्रि, जा लग सूरज सोम, तालग नाम अफूल तव रहसी वसुधा व्योम। जब तक इस धरती पर दिन और रात रहेंगे, जब तक इस धरती पर सूरज और चांद रहेंगे, तब तक शहीद अफूल सिंह जी का नाम इस धरती और आकाश में गूंजता रहेगा। दिन धरणी दिन देशड़ो, दिन धोरा दिन धीर, दिन धरणी दिन भूर्जी, दिन भायो दिन वीर। बहुत बहुत धन्यवाद, शहीद को नमन। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पधारे हुए अतिथियों का स्मृति चिन्ह से स्वागत होगा।